तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार से खबर आ रही जहां नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है आरजेडी पर और कहा है कि एनडीए के राज में धार्मिक तनाव खत्म हो गया, खत्म कर दिया और लोगों को आरजेडी राज की उन्होंने याद दिलाई है। दरअसल एनडीए हारी तो पुराने दिन लौटेंगे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने धार्मिक तनाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और आरजेडी राज की याद दिलाते हुए बताया है जनता को क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो मुस्लिम समाज के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था, आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है तो आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। तो इसलिए एक एक चीज को याद रखिए और हर तरह से आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने सारा काम किया। और मंडी के सियासी रण में जुबानी तीर चल रहे हैं। विवादित बयानों से शुरू हुई राजा रानी की लड़ाई को अब मुद्दों और विजन पर लाने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक मंच पर डिबेट की चुनौती दी जा रही है। विक्रमादित्य की तरफ से एक बार फिर कंगना को ललकारा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब कंगना का स्टैंड क्या होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन सब पुरुषों को जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। इस सीट पर किंग बनाम क्वीन की लड़ाई खूब सुर्खियां बटोर रही है। बीजेपी ने यहां जब से कंगना को उम्मीदवार बनाया है तभी से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पहले कांग्रेस नेताओं ने कंगना पर जुबानी कटाक्ष किए, लेकिन जब बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया तो कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य हिमाचल की संस्कृति और सभ्य भाषा वाला ज्ञान देने लगे। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये जरूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें। मंडी की लड़ाई में कंगना को भारी पड़ता देख विक्रमादित्य सिंह को भाषा की मर्यादा याद आ गई है, मुद्दों की याद आ गई है और तो और विजन की भी याद आ गई है। विक्रमादित्य भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो सुप्रिया श्रीनेत की वो अभद्र टिप्पणी भूल गए जो उन्होंने कंगना पर की थी। शायद वो राहुल का वो बयान भूल गए जो उन्होंने शक्ति पर किया था और शायद विक्रमादित्य खुद अपना बयान भूल गए जो उन्होंने कंगना पर दिया था। एक्सेप्ट किया है कि शी हैज बीन डूइंग दैट, शी हैज बीन कंज्यूमिंग दैट मीट, आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए। कल तक पलटू राम का सर्टिफिकेट बांट रहे विक्रमादित्य आज मुद्दों और विजन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उनके विजन के चलते ही हिमाचल सरकार लगभग गिर गई थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और सबसे पहले विधायकों की अनदेखी का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा भी उन्होंने ही दिया था। जिस जनता ने इन्हें अपनी भलाई के लिए चुना था उस जनता की अनदेखी करते हुए विक्रमादित्य सियासी मोलभाव करने लगे। यानी बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। एक बार फिर हिमाचल की जनता से छल कर चुके विक्रमादित्य आज मंडी में जीत हासिल करने के लिए मुद्दे और विजन की बात करते हैं। सार्वजनिक मंच से विक्रमादित्य को बताना चाहिए कि मंत्री रहते हुए आखिर उन्होंने किस विजन के तहत हिमाचल की जनता की भलाई के काम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं ईडी गठबंधन पर को रखे लगातार प्रहार की। आपको बता दें कि एक के बाद एक प्रहार जो है वो ईडी गठबंधन पर को रखेगा, और अब ये हमला जो है अजीत पवार की तरफ से किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हमला ईडी गठबंधन किया पर किया और कहा कि देशवासी एक बार फिर मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं, राहुल की तुलना पीएम मोदी से करना गलत है। 2019 में लोग नीतीश का नाम ले रहे थे, अब नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ हैं। 65% से ज्यादा लोग बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं, और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। मित्रों, आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा